जी नाज़रीन, इस वक्त ये रुझान की तरफ हम जा रहे हैं और इस तरफ से ये पीछे राजनपुर का इलाका था, ये सामने जो बंद है इससे उधर वाली आबादी डूबी हुई है और सड़क सिर्फ यहाँ पे ऊंची जगह है जहाँ पे ये लोग अपने आप को महफूज कर लेते हैं। अब कुछ थोड़ा सा पानी इस इलाके में उतरा और कुछ इलाकों में दोबारा बता रहे हैं कि पानी फिर ऊपर आना शुरू हो गया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए रुका हूँ कि जिन लोगों के पास कैंप नहीं है वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। ये ऐसे चारपाइयाँ खड़ी करते हैं बेचारे, और चारपाइयाँ खड़ी करने के बाद ऊपर दूसरी चारपाई डालते हैं, जो इनके पास कपड़े वगैरह हैं पुराने वो ऊपर फेंकते हैं। और इस तरीके से ये देखें इनके बच्चे, ये सो रहे हैं, ये बच्ची एक छोटी रो भी रही है, पाँव में इनके जूते भी नहीं है, सामान इनका जो है वो इनके घरों में इसी तरह रह गया। तो ये चारपाइयाँ उठा लें ला के इन्होंने इस तरीके से रख दी हैं और यही इनका साहिबान है। अब पानी से भी बचना है तो ऐसे ही बचना है, और अपने आप को सर्वाइव करना है तो इसी तरीके से करना है। तो इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि कैंप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, इन लोगों को कैंप्स चाहिए, और जो वाटरप्रूफ शीट्स हैं कैंप्स के ऊपर होती हैं वो चाहिए ये, क्योंकि अपने पूरे साल का राशन इकट्ठा करते हैं हमेशा, तो ये इनकी सबसे कीमती असासा इनके घर में ये होता है, ये गंदम वाला इनका बॉक्स है, तो इसके अंदर ये गंदम इकट्ठी कर लेते हैं पूरे साल की। तो इसको ये ले आए हैं, लेकिन ये देखें खाली है, इसकी आवाज़ आपको किस तरह से आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर भी गंदम नहीं है, ये सिर्फ इसको यहाँ पे ले आए हैं। अब जो लोग गंदम भेजेंगे या आटा भेजेंगे उसको ये अपने पास जमा कर लेंगे और उसी से ये बाकी आगे वाले महीने जो है उनको गुजारेंगे। तो ये इस हालत के अंदर मैंने इस सड़क के ऊपर सैकड़ों लोगों को इसी तरह देखा है, ये ऐसे ही घर बना के यूँ रहते हुए देखा है। और अभी आप लोगों को कैंप नहीं मिले? जी आका नहीं मिले सही, असर पानी थे थे इसीलिए फ़िलहाल फौरी तौर पे कैंप्स चाहिए, इनको शीट्स चाहिए, ताकि ये इस तरह के जो लाखों लोग हैं यहाँ पे थ्रू आउट सिंध तक, इन सबको जो है वो पहले शेल्टर मिल जाए। ये ऊंची जगह पे सड़कों पे तो आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके बाहर रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, बारिश हो जाए या ज़्यादा गर्मी है तो फिर आपके सामने सिचुएशन। नाज़रीन, ये जो सड़क जाती है इस तरफ और यहाँ पे वो अरबियों की शिकारगाह भी है, और यहीं पे बहुत सारी बस्तियाँ आबाद हैं, ये रुझान का ही इलाका है। और ये जो सड़क है ये ज़मीन से कई फुट ऊंची है, ये सड़क ज़मीन से कई फुट ऊंची है, जो साइड की आबादियाँ हैं वो काफ़ी नीचे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है, कि सड़क के ऊपर पानी आ रहा है और फ्लो के अंदर पानी अभी भी इस तरफ जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि इस वक्त पानी उतरा है, लेकिन जो एक और रेला सैलाबी आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि इनको इंतज़ामिया ने वार्न किया है कि अभी दोबारा पानी आएगा और ये फिर पानी का लेवल ऊपर जा सकता है। तो ये सड़क भी कई जगहों से टूट गई है, रास्ते में भी सड़क टूटी हुई थी। और ये मकान आप देखें, आप ये सारे मकान जो हैं ये अंदर की तरफ रह गए हैं पानी के, इनका ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो गया और ये कई कई फुट पानी है। और इसके बाद जो है ये वाला सामने आप एरिया देखें तो ये मकान आते हैं, अब ये गिर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इनके अंदर भी पानी जमा हो रहा है। हालांकि ये मकानात भी ज़मीन से दो दो तीन तीन फुट इन्होंने ऊंचे बनाए हुए हैं, जो इनकी फसलें हैं उनसे मकानात इन्होंने ऊंचे बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद और जितना हम आगे जाते जाएंगे यहाँ से, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर सैलाब बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरफ सारा एरिया, जितना वास्ट एरिया है, ये सब सैलाब ज़्यादा इलाका। और इस तरफ ज़रा आप देखें, इधर आएँ, ये दिखाएँ, ऊँचा उठा के कैमरा दिखाएँ ज़रा, ये देखें, ये आपको सड़क के ऊपर सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ एक डेढ़ किलोमीटर तक यूं ही सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और उस तरफ से वो दिखाएं जी, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो हिजरत करके इस तरफ आ रहे हैं इस पानी में से गुजरते हुए, और लगातार इस पानी में से जब लोग गुजरते हैं तो उनके पाँव के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ कर आ रहे हैं पीछे वाले इलाकों में, और वो ख़ुद यहाँ पहुँचे हैं ताकि उनकी फैमिलीज़ के लिए वो कोई राशन ले जाएँ, कोई मदद ले जाएँ। हम कोशिश करेंगे हमारे लोग वहाँ तक जाएँ, कश्तियाँ लेकर जाएँ, जैसे भी पहुँचें और जाकर उन तक जो है वो पहुँचाएँ खाना वगैरह। क्या कह रहे हैं आप? वो ये जो बस तकरीबा बात थी ना हमारी,
हम कम्बल तौर पर वो सैलाब की लपेट में आ गई है और वो हिजरत करके यहाँ आ गए। उनके लिए कोई टेंट या कोई राशन वगैरह घर बाकी है या गिर गए आप? नहीं नहीं, जो मुकम्मल तौर पर गिर गए तकरीबन 3,000-4,000 करीब थी आबादी। जी जी, 3-4,000 की आबादी थी। जी जी बिल्कुल। वो बांध टूटा है, वो गिर गए। बचा बांध था ना, बचा बांध था, वो बचा बांध टूटा है, वो गिर गए हैं सब। हमारे सर दाने लौट गए हैं, हमारा कुछ नहीं बचा खाने के, बच्चे के लिए कुछ नहीं बचा सर। हम गरीब कहाँ जाएं? हमारी अपील है सरकार के साथ, हमारी मदद करें सर। हमारी कुछ नहीं बचा सर, खाने खान की चावल थे सर, वो सारे सर फसल थे तबाह हो गए सर। जानवर आप निकाल रहे हैं अपने वहाँ? वो सर लौट गए हैं, वो लौट गए सर, हमारी सब कुछ लौट गया सर, हमारी कोई मदद नहीं किया सर। लौट गए यहाँ से 300 से ज्यादा जानवर लौट गए हैं यहाँ से। जब पानी आया था ना, हमारी लोगों के दाने और हर चीज राशन वगैरह पेटियाँ सब वो लौट गए हैं। बच्चों का कपड़े थे वो लौट गए। हम गरीब कहाँ जाए सर? जो हमारे दाने थे सर खाने की वो लौट गए सर, वो जो हमारे मकान थे वो गिर गए। तो ये देख लें, बहुत मदद चाहिए, बहुत ज्यादा मदद चाहिए। यहाँ पे कश्तियों की बहुत ज़रूरत है, मच्छरदानियों की बहुत ज़रूरत है और खेमों की बहुत ज़रूरत है। ये देखें, ये लोग जब इनके पास कश्ती नहीं है, क्योंकि इनको तो कभी कश्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये देखें कैसे आ रहे हैं। इन्होंने एक रस्सी बांधी हुई है यहाँ से लेके वो सामने वाले गाँव तक, और ये ड्रमों के ऊपर इन्होंने अपनी चारपाई बांधी हुई है। दो चारपाइयाँ उनको उल्टा करके ड्रमों के ऊपर बांधा हुआ है, और उनके ऊपर बैठ के ये आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खींचते हैं, और स्लो स्लो जो है वो थोड़ा सा सामान लेकर, जो इनका ज़रूरत का सामान है उसको, थोड़े से सामान को लेकर, उसने हाथ में बोरी भी पकड़ी हुई है, तो ये लोग यहाँ पे वापस आते हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होगी है इनकी। हमें मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ कश्तियाँ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं जो कुछ मुखैर हज़रात कुछ दे सकते हैं तो यहाँ पर कश्तियाँ भी दें थोड़ी सी, और साथ में इनको मच्छरदानियाँ बहुत बड़ी मकदार में चाहिए। ये देखें यहाँ पर मच्छर हशरात ये बहुत ज़्यादा हैं जी। नाज़रीन, जिस पानी में से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, ये दरिया नहीं है ना, ये कोई नहर का इलाका है, ये सिर्फ बारिश का पानी है जो यहाँ पे जमा हो गया। आसपास आबादियाँ डूबी हुई हैं, वो सामने एक बस्ती है ये डूबी हुई है, उस तरफ वो सामने एक बस्ती है वो डूबी हुई है, इधर लोगों के घर हैं वो डूबे हुए हैं, और जो ऊंचे घर हैं वो चारों तरफ से पानी में घिर गए हैं। अब उनके पास जो है बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये 4-4, 5-5 फुट पानी है, और ये बारिश का पानी है। यहाँ से जो दरिया है, जो मेन दरिया है यहाँ पर, वो लगभग कोई 20 किलोमीटर दूर बता रहे हैं कि वो यहाँ से है, यानी काफ़ी सारी आबादियाँ उनके बाद ये दरिया आता है। तो दरिया का और ये बारिश के पानी का लेवल एक हो चुका है, और ये सारा बारिश का पानी है जो बंद है, बंद के उस तरफ दरिया चल रहा है, और इधर जो है ये बारिश का पानी इकट्ठा है, और लगातार बारिशें यहाँ पर होने की वजह से, जो बहुत ज़्यादा इजाफी बारिशें हुई हैं उनकी वजह से, सारे नशेबी इलाके डूब गए हैं। और ये जो सारे लोग हैं जहाँ पर अभी हम ये चला रहे हैं कश्ती, नीचे फसलें हैं, नीचे लोगों के घर हैं, कुछ घर लोगों के जो ऊंचे हैं वो घिरे हुए हैं, वो मस्जिद सामने वो डूब गई है, लोगों के डेरे घर छोटी छोटी बस्तियां सारी डूबी हुई हैं, और जहां से ये इस वक्त कश्ती जा रही है नीचे यहां पे वो है फसलें हैं, और ये दरखेज इलाका है और जो सारा डूबा हुआ है, ये लोगों का नुकसान है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो इन ज़मीनों के मालिक हैं, वो बाहर सड़कों के ऊपर आपने देखा, वो बेचारों के मवेशी वहाँ पर हैं, वो ख़ुद भी वहाँ पर हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर हैं, बेयारों मददगार। तो ये सूरत हाल है इन लोगों की, ये अच्छे खासे लोग थे, लेकिन अब एक बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये आजमाइश है अल्लाह ताला की, और हम सब की भी आजमाइश है कि हम कैसे मदद करते हैं अपने वतनों की, अपने भाइयों बहनों की। नाज़रीन, ये इनके जो घर हैं वो अब बिल्कुल गिर गए हैं पानी के अंदर चारों तरफ से। ये एक और गाँव में हम आए, और यहाँ पर 5 घर हैं ये इकट्ठे बने हुए हैं, 5 घर, कहीं पे 5 बने हुए हैं, कहीं 10 बने हुए हैं, तो थोड़ा दूर दूर हैं, तो कश्ती के ऊपर जाना पड़ता है जाके। आप दे सकते हैं, रास्ता तो कोई है नहीं कि आप ट्रक ले जाएं और वहाँ जाके आप दें और ये ले जाएं अपने घरों में, ना इनके पास कश्ती है क्योंकि नीचे तो खेत हैं, यहाँ पर तो कश्ती की ज़रूरत नहीं है, ये लोग पैदल फिरते थे यहाँ पर। तो अभी आप इनकी हालतें देख लें, अभी हमने इनको यहाँ पर इधर भी राशन दे दिया, तो जो सामान आप लोग देते हैं थोड़ा या ज़्यादा, वो ज़िम्मेदारी के साथ हमारे दोस्त, हम सब कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पहुँच जाए, और लगातार हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे तबाही है वहाँ पे इसी तरह की एफर्ट हो रही है। यहाँ मेरा आने का मकसद ये है कि आप लोग देख लें कि जो चीज़ आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। वो लोग सुबह से यहीं बैठे हुए हैं किनारे पर, इंतज़ार कर रहे हैं,
हम अभी शाम के वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं, खाना देते देते, राशन देते देते सब लोगों को, तो वो लोग यहीं पे बैठे हुए कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि दूर से कहीं से कश्ती आएगी और इनको राशन मिलेगा। और तरीकाकार मैंने आपको पहले बताया कि पहले यहाँ पर टीम आके सर्वे कर जाती है कितने घर हैं, फिर उतने राशन लेकर आते हैं और उनको देते हैं। और आज रात को इंशाल्लाह दोबारा ये कश्तियाँ जाएँगी और पका हुआ खाना लेकर आएँगी। इनको आज रात का खाना पका हुआ हम देंगे, उसके बाद फिर ये अपना राशन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, ये रुझान का इलाका है और ये सब एरिया जो है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है आसपास का, तो ये निस्बतन ऊंचा एरिया है। यहाँ सारे कैंप लगाए गए हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है और उनके रिहाइश का बंदोबस्त करना है। हम यहाँ पे कुछ खेमे भी लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पे लगवाएंगे, मज़ीद खेमे भी। इस तरह यहाँ पे खाना पकता है, ये देखें, ये यहाँ पे आज का खाना पकड़ा है जो लोग अभी दोपहर में खाएँगे। कितनी देखें पका रहे हैं आप? सर 30। अभी 30 देखें पका रहे हैं? जी जी सर। और ये कितने लोग खाएंगे यहाँ पे भी? ये तकरीबन सर अंदाज़ा होता है 30 से 35 आदमी एक देख खाता है तकरीबन। और ये इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, दिखाएं जी क्या पका रहे हैं आज? ये गोश्त है सर। ये रात को इन्होंने कुछ गायें ज़िबा की थी यहाँ पे, और कल रात को तीन गायें ज़िबा की थी और ये इस तरफ आज गोश्त पका रहे हैं, और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर गोश्त पका रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले हम चावल पकाते रहे, और चावल के अलावा क्योंकि गोश्त और बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे, अब कुछ जानवर यहाँ लोकल परचेज़ करके आज पका रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा ये प्रोटीन्स वगैरह भी मिल जाएं। तो ये इस तरह लोग यहाँ पे हम खेमों के अंदर बंदोबस्त करते हैं। फ़िलहाल ये आर्जी तौर पे सेटअप लगाए हुए हैं, अभी इसको और बेहतर करेंगे। यहाँ पर लोग यूँ बैठ के खाना खाते हैं। आप ये दिखा दें जी, इधर जगह दिखा दें, ये ऐसे। और ख़वातीन के लिए अलग है जगह, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए। वो किधर है? आगे आगे। हाँ वो उस तरफ है, हाँ वो जो खेमा लगा हुआ है वो उससे अगली तरफ जो है ख़वातीन और बच्चे वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं और मर्द हज़रात यहाँ पे खाते हैं। मुश्किल वक्त है इन लोगों के लिए, और ये सारे अपने घरों वाले लोग हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, बेचारे बेयारों मददगार हैं। इनके घर जो हैं वो डूब गए हैं, सामान बह गया है, जानवर भी ज़्यादातर बह गए हैं, इनके असासे जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। तो ये जायदादों वाले लोग थे, ज़मीनों वाले लोग थे, और अपनी अपनी ज़मीनों के मालिक थे, अपनी अपनी ज़मीनों पे काश्तकारी करते थे, कुछ लोग दूसरों की ज़मीनों पे करते थे, लेकिन इनके पास अच्छा खासा अपना एक इंतज़ाम था। लेकिन अब ये बिल्कुल बेयारों मददगार हैं, ये सड़कों के ऊपर आ गए हैं। ये जी पहले हमारी, मैंने आपको कहा था टीम आती है और वो आके सर्वे करके जाते हैं और फिर अगले दिन राशन लेकर आते हैं, ताकि जो है वो किसी जगह पर डबलिंग ना हो। पहले वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि राशन की ज़रूरत कितनी है, लोग कितने रहते हैं, कितना राशन उनको चाहिए, किस तरह का सामान चाहिए, उसके मुताबिक फिर पैकिंग करके हम भेज देते हैं। अभी ये हमारे पास जो टीम पहले आई थी, उन्होंने ये टोकन दिए थे, ये सारे टोकन जो दिए थे जिन लोगों को, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ 12 टोकन हैं, 12 घर हैं इस छोटी सी बस्ती में, और ये जो 12 घर हैं इनको टोकन दिए गए थे। अब इनको इनके टोकन के साथ साथ जिस जिसका नाम है उसको उनका जो है वो खाना मिल जाएगा, यहाँ पे राशन मिल जाएगा, और ये लोग अपना राशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर सड़कों पे हैं, जो अपने गांव खाली कर गए हैं, या जिनके गांव बह गए हैं, डूब गए हैं, ये वो गांव हैं जहाँ पे हम राशन देने के लिए आते हैं, जो थोड़े से ऊंचे बने हुए हैं, इसको टिब्बा कहते हैं पंजाबी में, ऊँची जगह होती है टीला, इसके ऊपर जो गाँव बने हुए हैं वो महफूज हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन जो नीचे बने हुए हैं, जो लोग बह गए हैं, वो फिर बाहर चले गए हैं जाके, वहाँ पर उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, उनको पका कर भी देना पड़ता है। तो ये अब राशन आ गया है इन सब का, यहाँ पर हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा नादरीन, कुछ अब खेमे हम लोगों को यहाँ पर देंगे और फिर हमारी टीम इन सब के अंदर खेमे बांटेगी। हम आज 300 खेमों का प्लान करके आए हुए थे, ये बहुत सारे खेमे लग गए हैं, जितने ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके ऊपर शीट्स लगी हुई, ये खेमे हम ले आए हैं और कुछ लोगों ने लगा लिए हैं, कुछ लोगों को भी हम देंगे। ये सबसे ज़रूरी एलिमेंट है इस वक्त, ये आप लोग ले लें जी, किस किस की आपके पास पर्ची है। और ये भी बकायदा सर्वे करने के बाद हम खेमा देते हैं, वो हमें आइडिया होता है कि ये मकामी आदमी है, कहीं और से तो नहीं आया और ये खेमा ले जाके कहीं और बेच तो नहीं देंगे, तो हम उनको देते हैं जो यहाँ पे मकामी है और जिनको ज़रूरत है और उनको पहले खेमा नहीं मिला हुआ। ये जी मच्छरदानी है और इसका बैठे इनको दे दें, इसका जो साइज़ है ना, जो खड़े जो, ये एक फुल आदमी के लिए ये मच्छरदानी जो है ना, ये अच्छे साइज़ की है, बड़े साइज़ की है मच्छरदानी दे दें। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे मच्छरदानी। जी नादरीन, जो खेमा हम लेकर आते हैं वो इस तरह से है, और इसमें ये लोहे के रॉड्स हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इसके साथ ही इसकी रस्सी होती है, और ये वाटरप्रूफ शीट है इसके साथ, ये खेमा है, ये वाटरप्रूफ शीट है। हमें ये अभी तक 7,500 रुपये में एक खेमा मिल रहा है, और लोग तो बताते हैं लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे साथी दोस्त पहले लेते रहते हैं, कुछ पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये लेकर दिया 7,500 रुपये का। अभी आपको ये लगा कर दिखाते हैं कि खेमा लगता कैसे है। लगा दें जी। अच्छा हफ साहब, हम अभी कितने खेमे लेकर आए हैं और कितने खेमे हम इस टूर के अंदर लगा रहे हैं? 300 खेमा हम लेके आए हैं,
और 120 खेमा एक बस्ती में जो सा ना हम वो लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। 120 खेमे की तकरीबन एक बस्ती होगी, तो इसी तरह ही हम खेमे भी और पक्के घरों का भी हम जो सा ना लगभग 1000 लोग रहेंगे एक बस्ती में। 1000 लोग इंशाल्लाह ताला एक बस्ती में रहेंगे। और ये पैराशूट वाला है, इस पर इंशाल्लाह ताला बारिश का पानी भी जो लीकेज नहीं होगी, और ये अच्छी क्वालिटी का जो बनवाया गया है जी। यहाँ पर हमने कायम किया और इस वक्त यहाँ पे 5 ये और 6 और 11 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और एक कैंप जो है वो अब आगे लेकर जाएंगे, वो डॉक्टर्स को आगे शिफ्ट करेंगे। ये जो कैंप्स हैं, जो मेडिकल कैंप्स हैं, इनको मूव करते रहते हैं, पहले एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे। अब यहाँ पे आप रश देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। लोगों को कुछ वबाएँ फूट रही हैं, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, बच्चों को और ख़वातीन को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इतनी देर तक पानी खड़ा रहेगा आपके घरों के अंदर और इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो फिर बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि मसाइल क्या है, और लेकिन पेशेंट बहुत बड़ी तादाद में है, ख़ासतौर पे बच्चे और ख़वातीन। और डॉक्टर यहाँ पे सारा दिन लगातार मरीज़ देखते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ज़रा थोड़ी सी बात भी कर लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम कौन सी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुश्तबा है, मैं फ्रॉम निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से मेरा ताल्लुक। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे कितने दिन पहले आए थे? सर मेरा ये फोर्थ ट्रिप है और मैं मुसलसल यहाँ पर आ रहा हूँ। हम लोग जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ कैंप्स यहाँ पर ले आते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में रोटेट कर रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम तौंसा, तौंसा में हमने सबसे पहले फैसिलिटीज़ दी, मंगरोठा गरबी भी गए थे, मंगरोठा शरकी गए, सोकड़ में गए, उसके बाद हम लोग चले गए थे फाजिलपुर। अब यहाँ कैंप कितनी देर तक है? सर आज पूरी बाय द इवनिंग हम इंशाल्लाह यहीं पर हैं, और फिर उसके बाद टीम रोटेट होगी, नेक्स्ट टीम आ जाएगी। नहीं वो टीम आ गई, हम साथ लेकर आए 6 डॉक्टर्स को। जी जी सर। प्रॉब्लम्स क्या है ज़्यादा? सर स्किन से लेकर एंटी एलर्जी जो है ना इस वक्त मेन इशू इनके अंदर आ रहा है। आप लोगों के पाँव देखें गले पड़े हैं, उसके बाद ये कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। अब डायरिया के अंदर देन फिर वैरायटी आ जाती है, किसी को खून के साथ पेचेस आ रही है, किसी को सिंपल आ रही है। अभी हम लोग गेस्ट्रो के केसेस चंद एक फ्यू केसेज हैं, लेकिन अगर गेस्ट्रो की वबा फैल गई और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अद्वियात लेके आए हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी, वो लिस्ट आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, लगभग 50 कॉटन है, उससे आप देख लें जो अद्वियात, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी भी है और उनकी इकसाम भी ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स थे, उन्होंने यहाँ पे पहले बातचीत की थी, उसके बाद उन्होंने वो अद्वियात सारी परचेज़ की हैं। सर ग्रेट वर्क। ये जी कैंप था और रिलीफ कैंप है हमारा, और इसके बाद मज़ीद आगे भी एक कैंप लगेगा, ये टीम मूव हो जाएगी डॉक्टर्स की। 6 डॉक्टर्स जो नए आए हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा नादरीन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि खुश्क एरिया बहुत थोड़ा बचा है और पानी जो है वो हर तरफ है, तो ये इस तरह जानवर वगैरह जो हैं, सांप और बाकी जो जानवर हैं, वो सारे निकल के उसी एरिया की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे इंसान आ रहे हैं ना। जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को काटा भी है, इनके वालिद साहब को काटा, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया सांप के काटने से। अभी ये यहाँ पे लोगों ने एक और सांप मारा है और ये लगातार ऐसे ही है यहाँ पे। रात को सांप बाहर निकल आते हैं, ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं, क्योंकि पानी में ये जानवर नहीं रुकते, ये भी खुश्की की तरफ आ रहे हैं, इंसान भी ऊंची जगह पे जा रहे हैं, खुश्की की तरफ आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या नाम था आपके वाले साहब? सर शाह मुराद, और मेरा नाम दोस्त है, मैं ख्वाजा फिर यूनिवर्सिटी रहीम खान का स्टूडेंट हूँ, अभी 7वां सेमेस्टर है। सर सैलाब की वजह से हमारी जो बस्ती थी ना वो मुकम्मल तबाह हो गई है, 10-15 दिन से हम इधर शिफ्ट हो गए थे। कल ना मेरे अबू को सांप नहीं काटा, जिसकी वजह से पहले शेख जैद अस्पताल लेके गए रहीम खान, उधर ही अबू की डेथ हो गई और कल इधर जनाजा था। इसके यह है कि पानी की वजह से जो हशरा था ना बहुत सारे निकल आ रहे हैं, बहुत जहरीले सांप निकल आ रहे हैं। आपके वाले साहब क्या सो रहे थे जब काटा या कहीं जा रहे थे? जा रहे थे, एक बाइक के नीचे सीट के नीचे बैठे हुए थे, उधर से काटा, इधर हाथ में काटा, हाथ में आगे काटा है ये, क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं सारी और इनके अंदर पता नहीं लगता था इधर, और जहरीला भी बहुत था, बचे बच नहीं पाए। पता लगा सबर दे, हमें वहाँ लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के शायद लगता है कि इतने वास्ट वो पैमाने के ऊपर नहीं है, इतना बड़ा नहीं है सैलाब और इतनी बड़ी तबाही नहीं है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो जिस तरफ आप जाते हैं वहाँ ऐसे ही तबाही है, लोगों का कुछ भी नहीं बचा है, हर आदमी जो है उसको फिक्र है कि कल मेरा क्या होगा। तो ये सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर इनको सपोर्ट करना है, घर बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, बड़े साल लगते हैं घर बनाने में, तो इन लोगों को ना सिर्फ इनके घर वापस होने चाहिए और उसके लिए मदद करनी चाहिए आप सब पाकिस्तानियों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो बाहर से फंडिंग आई वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि हम सबको मिलकर इनका हाथ बटाना चाहिए।